मथुरा के थाना कोतवाली वृंदावन इलाके का गांव गोपालगढ़ सोमवार की शाम गोलियों की आवाज से गूंज उठा। दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद हुए बवाल में आरोपी पक्ष के तीन मकानों में आग लगा दी गई। हम आपको बता दें कि श्रीचंद और किशनलाल के परिवार में पिछले कई सालों से नाली के विवाद को लेकर रंजिश चल रही थी। इस विवाद ने दो साल पहले 2015 के जून महीने में उस समय खूनी रूप ले लिया, जब श्रीचंद और उसके भाइयों ने मिलकर किशनलाल की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने हरीशचंद को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया, लेकिन उसके भाई गोपीचंद और श्रीचंद किसी कारण से जेल नहीं जा पाए। सोमवार की देर शाम किशनलाल का भाई रतनलाल अपनी गार्ड की ड्यूटी खत्म कर गांव वापस लौट रहा था कि तभी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बात की जानकारी जब उसके परिवार को हुई तो वहां कोहराम मच गया। इसी बीच संदिग्ध परिस्थितियों में आरोपी पक्ष के श्रीचंद, हरीशचंद और गोपीचंद के घरों में आग लग गई। हत्या और घरों में आग लगने की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने रतनलाल को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद दमकल भी मौके पर पहुंची, जहां चार गाड़ियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। मृतक रतनलाल के पिता बदन सिंह और भतीजे राजेश ने बताया कि रतनलाल शाम को छुट्टी लेकर घर आ रहा था कि तभी पहले से घात लगाए बैठे श्रीचंद, गोपीचंद और अन्य अज्ञात लोगों ने उसको गोली मार दी और खुद अपने घरों में आग लगा दी। दो साल पहले भी किशनलाल की इन लोगों ने नाली के विवाद को लेकर हत्या कर दी थी। राजेश, क्या हुआ था आज? मेरे चाचा और मैं शाम को 6:30 करीब ड्यूटी करके आ रहे थे। रास्ते में गांव के पास में उन्होंने गोली मार दी, जिन्होंने जिसका नाम था श्रीचंद, गोपीचंद और उसके दो साले थे, एक का नाम था सत्यवीर और एक का नाम है अनिल, और इसके दो लड़के थे, एक का नाम है सूरज और एक का नाम है सुशील। क्या वजह है गोली मारने की? 3 साल पहले हमारा आपस में झगड़ा हो गया था, उसमें 3 साल पहले नाली के पीछे झगड़ा हुआ था। उसके बाद में मेरे पापा के गोली मार दी थी 3 साल पहले, वो खत्म हो गए। उसके बाद में केस चल रहा है उनके मेरे पापा का वहाँ पे मथुरा न्यायालय में, और इसमें सिर्फ एक ही जेल में बंद है हरिचंद, और पुलिस ने इन तीनों को बाहर निकाल दिया, श्रीचंद को, गोपीचंद को और एक और था, चार के नाम FIR थी, ये यहाँ का अनिल है चंदन नगर का। घरों में किसने आग लगाई है? घरों में आग उन्होंने लगाई थी, ये बहुत ही षड्यंत्र साजिश वाले आदमी है। अभी 2 दिन रक्षाबंधन के समथिंग की बात है ये, इन्होंने दिल्ली से 2 लड़की लेके आए थे, जो हमारा न्यायालय में केस चल रहा है 302 का, उसमें राजीनामा का दबाव बनाने के लिए दिल्ली से 2 लड़की लेके आया था हमारे ऊपर और मेरे भाइयों के ऊपर, मेरे चाचा के ऊपर, उसने बलात्कार का झूठा केस लगाया था। क्या रंजिश किस बात की लेकर चल रही है आपकी? ये नाली के पीछे रंजिश चल रही है 3 साल से, केवल नाली को लेकर, केवल नाली के लेकर लड़ाई थी। वही मौके पर पहुंचे SP सिटी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि ये शाम करीब 9 बजे का वाकया है। दोनों पक्षों में नाली को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही है, जिसके चलते 2015 में भी हत्या हुई थी। हुआ है गोपालगढ़ में एक मर्डर हुआ है और शाम का वाकया है करीब 9 के आसपास में। ये गार्ड का काम करते हैं, घर पे आ रहे थे, इनका आपस में पारिवारिक यहाँ पे विवाद था, आमने सामने घर है, नाली को लेकर के इनका विवाद था। 2015 में एक मर्डर हुआ था और बीच में जो मुलजिम पक्ष हैं इन्होंने इनके खिलाफ 376 FIR का केस करा था, जो फर्जी हुआ था, जिसमें ये लोग गिरफ्तार होकर के जेल गए थे। तो पुराना इनका विवाद है, उसी को लेकर के ये घटना हुई है। पुलिस दबिश दे रही, तहरीर लेकर के हम घटना काम कर रहे हैं। वादी पक्ष जो है, जो मृतक पक्ष है, उसका कहना है कि गोली मारने के बाद इन्होंने अपने घर में केस बनाने के लिए आग लगाई थी। हक को बुझा दिया गया है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। 3 घरों को आग लगाई गई? हाँ, मतलब तीनों आपस में, जो श्रीचंद, गोपीचंद, हरीशचंद, ये तीनों मुलजिम हैं, इनके आपस में घर हैं और उसी में इन्होंने आग लगाया है, और आग को बुझा दिया है प्राइमा फेसी। कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक गंभीर मामला है, इस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। विवाद की वजह बताई जा रही है, एक नाली है कोई? हाँ, विवाद की वजह एक नाली है, 2015 से पहले का ये मामला चल रहा है, आमने सामने घर है, और उसको लेकर के इनमें 2-3 फर्जी मुकदमे भी लिखे गए, इसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, जिन्होंने फर्जी लिखा था उसको जेल भेजा गया। फोर्स भी तैनात की जा रही है? हाँ, हमने यहाँ पे फोर्स तैनात कर रखी है, हमारी क्वालिटी है, सब इंचार्ज है। बाकी मुलजिम को पकड़ने के लिए हमने टीम भेज दी है, शीघ्र मुलजिम को गिरफ्तार किया।